नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। 53 दिन जेल काटने के बाद आखिरकार घर पहुंचे तेलंगाना के सीएम चंद्रबाबू नायडू, परिवार और समर्थकों ने किया स्वागत। 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, नाम 2000 कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। कोलकाता में पाकिस्तान बांग्लादेश मैच के दौरान फहराया गया फिलिस्तीनी झंडा, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तिजारा से इसका शंखनाद किया गया है। राजस्थान में हिंदू विरोधी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में गौ माता को नुकसान हुआ है, अपराध और गौकसी के बढ़ते मामले से राजस्थान फेमस हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए। राय ने कहा कि नीतीश जी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाया था, उस समय बिहार के लोगों से काफी वादा किया गया, लेकिन अब मुख्यमंत्री कुमकर्णी नींद में सोए हुए हैं। दिल्ली में अब धार्मिक स्थलों के आसपास मांस नहीं बिकेगा, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकान खोलने को लेकर नई नीति को मंजूरी मिली है, जिसके तहत अब मांस की दुकानें किसी भी धार्मिक स्थल या। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। एशियन पैरा गेम्स के विजेताओं से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसराइल हमास युद्ध समेत अंतर्राष्ट्रीय तनाव के मुद्दे पर भी करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर पीएम शेख हसीना ने कहा कि मैं हमारे दोनों देश के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करती हूं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि एक बार फिर हम भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता का जश्न मनाने के लिए जुड़े हैं। हमारे रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के सिंगरौनी कोयला खदान में मजदूरों से बातचीत की और सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण पर चिंता जताई। राजस्थान में गरजे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा तालिबान का इलाज बजरंग दल वाली गदा है। साथ ही कहा उदयपुर वाले अगर यूपी में कन्हैया की हत्या हो जाती तो क्या होता, लोगों ने कहा चलता बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तिस्ता सिलवार और उनके पति जावेद को गुजरात पुलिस का सहयोग करने का निर्देश दिया है। फंड हेरा फेरी केस में अदालत की 3 जजों की पीठ ने धन के दुरुपयोग करने के मामले में यह आदेश पारित किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह स्वस्थ हैं। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को एहतियात के तौर पर ऑब्जर्वेशन पर रखा है तथा उन्हें आराम की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बारूदी सुरंग में हुआ विस्फोट, सेना के 3 जवान हुए घायल। पश्चिम बंगाल में राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जंगारे को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार का सहयोग करना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के बाद अब घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस में विद्रोह हो गया है। टिकट कटने से नाराज राजगढ़ के विधायक जोहरीलाल मीना ने कहा कि मेरा टिकट बेचा गया है, मेरे स्थान पर मांगेलाल मीना को टिकट पैसे लेकर दिया गया है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना है तो खानपान में सिरके वाली प्याज को जरूर शामिल करें, यह कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड शुगर तक को कंट्रोल करता है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 नवंबर से ऑफिशियल वेबसाइट nationalfertilizers.com पर जाकर 1 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब में महाडिबेट के बाद सीएम मान ने ट्वीट कर अनुपस्थित विरोधियों पर जमकर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पंजाब और पंजाबियों को किसने कब और कैसे धोखा दिया, दर्दी कौन है और गद्दार कौन है, सारा हिसाब किताब आज होना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरे आवाहन के बावजूद जिन्होंने अब तक राज किया वे सार्थक बहस से भाग गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा डे पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का विधिवत शुभारंभ कर दिया। अहमदाबाद में उद्योग समूह के साथ बैठक करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए निवेशकों को करेंगे आमंत्रित।
महंगाई के मुद्दे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं को पता ही नहीं कि महंगाई को कैसे नियंत्रित करना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व की रमन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रमन सिंह के राज में आदिवासियों पर अत्याचार होता था, फर्जी एनकाउंटर होता था, मोबाइल से लेकर चप्पल तक पर कमीशन चलता था। हम जब सुकमा आते थे तो कभी भी जिस रास्ते से आते थे दोबारा उसी रास्ते से नहीं जाते थे, क्योंकि नक्सलियों के हमले का डर सताता था, लेकिन अब हमने यहाँ का शिक्षा स्तर बदल दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को ऐसे हाथों में ना सौंपे जो मध्य प्रदेश के तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अंधेरे, गड्ढों, भ्रष्टाचार और घोटाले का प्रदेश बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।